से है, एपी चला एपी, तो एपी में चल रहा है एन पदों का योग। एन पदों का योग निकालना है, एन पदों का योग। सम ऑफ एन टर्म्स एन एपी, एपी के एन पदों का योग। समझो क्या था? सर बहुत अच्छा, एपी के एन पदों का क्या है योग निकालना है। तो माना कि एपी का पहला पद है सावंतर डी, अंतिम पद एल लास्ट टर्म एल, पदों का योग एसन इसमें सम, इन पदों का योग एसन पदों की संख्या एन, संख्यायन पहला पद है सावंतर डी, अंतिम पद एल, पदों का योग एस एन, पदों संख्यायन, तो एपी का पद एपी का पद ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अंतिम पदल एल माइनस डी, एल माइनस टू डी अनंत तक, अनंत तक ए ए प्लस डी,
ए प्लस टू डी, अंतिम पद एल, एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, ए पी का पद है। तो एन पदों का योग एस एन बराबर सम ऑफ एन टर्म्स, इसमें सम एन टर्म्स, ए प्लस डी माइनस टू डी एल माइनस डी एल। अब पदों के क्रम उलटने पर नेपाल इस्तेमाल लिया, इसे यहाँ पर देखिए एक्स बराबर एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच, पदों लटने पर पाँच प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक समान क्या समान समान, पाँच यहाँ चार यहाँ तीन यहाँ दो यहाँ एक यहाँ, तो क्या मानेंगे एक्स एक्स रहेगा, एक्स बराबर एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार पाँच है। अब पदों का क्रम लटने पर पाँच यहाँ चार यहाँ तीन यहाँ दो यहाँ एक यहाँ, वह भी एक्स हो जाएगा, उसी प्रकार एल आगे आ जाएगा वह भी क्या एस एन रहेगा, एल प्लस है ना, एल माइनस टू डी ए प्लस डी ए पदों के उलटने पर उलट दिए ए प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच है, पाँच आगे चार यहाँ तीन यहाँ दो यहाँ एक यहाँ, यह भी एक्स होगा यह भी एक्स होगा क्योंकि समान है, पाँच यहाँ चार यहाँ तीन यहाँ दो यहाँ एक यहाँ, उसी पर उलट देंगे हम लोग उलटने पर तो जाएगा यहाँ पर देखिए उलट दिया सर बराबर यानी यहाँ एल यहाँ एल माइनस डी ए प्लस टू डी ए प्लस डी प्लस ए।
ऐसा जोड़ने पर या पदोन्नति यही रह जाएगा, पदों का योग है एल यहाँ एल माइनस डी एल माइनस टू डी ए प्लस टू डी ए प्लस डी ए, तो वही की एसन तिवेशन रह जाएगा। सिखाए थे भी एक्स बराबर आठ आठ यहाँ छः यहाँ, ये भी क्या हुआ एक्स पल्लट दिए रखने पर या भी कैसन होगा कैसन टू एसन डी डी कर जाएगा ही। टू डी डी कर जाएगा ही बचेगा ए प्लस एल, ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितने पद हैं अनंत। तो बराबर n इंटू ए प्लस एल, यह कितने पद है अनंत पद है, ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितने अनंत बार है, n पद है, पदों संख्या n है। Sn बराबर एन बाय टू गुना तो भा ए, यह भी कह लिया फॉर्मूला जहाँ ए पहला पद है एल अंतिम पद है एन पदों की संख्या है एस एन पदों का योग है एस एन पदों का योग एन पदों की संख्या ए पहला पद एल अंतिम पद एल अंतिम पद हाँ एन बाय टू। तो बताए थे आपको टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एल बराबर भी क्या है ए प्लस एन माइनस वन इन टू क्या है डी लास्ट टर्म, एल का मान टी एन कहीं एनमा पद या अंतिम पद इन टू डी, ये पहले से यहाँ है एल का मान दे दो, एल का मान हो गया ही यानी एल कहते हैं इसको ए प्लस सिद्ध किए थे इसका से चौथा क्लास है ए प्लस माइनस वन टू डी, एल बराबर ए प्लस क्या है माइनस वन टू डी, एल का मान दे दिए एन बाय टू टू ए प्लस इन टू डी, ये फॉर्मूला हो गया इसका यानी एस एन एन पदों का योग एन बटा टू टू ए माइनस वन टू डी एंड ए पी के एन पदों का योग ए पी का पहला पद ए पी के प्रथम एन पदों का योग भी कह सकते हैं ए पी के प्रथम एन पदों का योग ए पी के प्रथम एन पदों का योग या पदों का योग पहला पद ए सार्वंतर डी अंतिम पद एल एन पदों एन पदों का योग एस एन पदों संख्या एन
एपी का पद ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अंतिम एल, एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, पदों का योग एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स एसएस एसमें सब, जो डी एपी का पद पदों को उलटने पर, पदों कम उलटने पर यहाँ चलेगा यहाँ चल जाएगा ही, तो पलट दिए कि समान को असमान, तो समान को अंतर है इसको यहाँ ला दिए, यहाँ लेके को अंतर है तो अब एसन हो जाएगा, टू एसन ए प्लस एल, डी कट गया, टू डी कट गया, टू डी कट गया, ए प्लस एल, 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 टू एस एन बराबर ए एन ए प्लस एल गुना तो भाग ए प्लस एल, यही फॉर्मूला हो गया। एन बाय टू ए, एल का मान, एन मा टर्म या अंतिम पद, ए प्लस वन टू एन माइनस वन टू डी, एल का ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ए टू ए माइनस वन टू डी, एस एन एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, एन एन पदों का योग, पदों की संख्या, ए पहला पद पदों की संख्या, जिस समंत मैसेज कर मैसेज कर दूध क्या बोलता है, दूध क्या बोलता है, क्या बोला है, ठीक है, इन पदों का योग अब क्या है, एन पदों का योग और एनमा पद में संबंध, फॉर्मूला क्या देख लो, एन पदों का योग एन पदों का योग एसएन और एन मापर टीएन में संबंध, टीएन में संबंध, इन पदों का योग, इन मा पद में संबंध, देखो ध्यान देना, जैसे एसएन बराबर टी वन प्लस टी टू प्लस
थ्री प्लस डॉट डॉट tn माइनस वन माइनस टू अंतिम पर tn n माइनस वन अने एपी का पद टी वन टी टू टी थ्री टी एन अंतिम पद इससे पहले माइनस वन इससे पहले माइनस दो सौ सौ माइनस एक सौ माइनस दो सौ निन्यानवे अंठानवे अंतिम पद सौ सौटा एक निन्यानवे सौटा दो अंठानवे अंतिम पद टी एन एन माइनस वन एन माइनस टू पदों का योग एसएन बराबर टी वन प्लस टीएन प्लस टीएन तब जो एस एन माइनस वन इन पदों का योग एस एन अब एन माइनस वन पदों का योग एस एन माइनस वन टी वन टी टू टी थ्री बस यहाँ ये नहीं होगा ये होगा नहीं होगा यहाँ क्या है एन माइनस वन पदों का योग अंतिम से एक पद कम एन माइनस वन पदों का योग अंतिम से एक कम अंतिम से क्या कम एन माइनस वन पदों का योग एस एन माइनस वन टी वन टी टू टी थ्री टेन माइनस टू टेन माइनस वन घटाने पर प्लस टू माइनस माइनस एस एन
एस एन माइनस वन कर जाएगा ही प्लस सीमा कट गया, पसमांस कट गया, पसमांस कट गया, पसमांस कट गया, पसमांस कट गया, यहाँ क्या हो जाए टी एन। अब देखिए एनमा पद है, एन पदों का योग है, तो कह सकते हैं टी एन बराबर एस एन माइनस वन। फॉर्मूला हो गया ये एनमा पद टी एन बराबर एस एन माइनस वन। एनमा पद है, एन पदों का योग में संबंध आ गया, टी एन बराबर एस एन माइनस वन। एपी का पद टी एन तक, पदों का योग एस एन एन तक, एन माइनस वन पदों का योग, एन माइनस वन लिखा हुआ है तो टी वन टी टू टी थ्री एन माइनस वन तक, या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है एन माइनस वन पदों का योग, घटाने पर प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस कट गया ही एस एन माइनस वन टी एन टी एन बराबर एस एन माइनस एस माइनस वन। फॉर्मूला हो गया ही। अब देखिए पर हिस्सा दू मैंने याद करो इसको कि टी एन एनमा पद एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन हिसाब हिसाब देखिए सी एपी के पदों का योग एनमा पद निकाले तथा तथा यह श्रेणी एपी में तथा एपी में है या नहीं देखो, यानी एन पदों का योग है, एनमा पद निकालना है टी एन, एस एन बराबर एनमा पद साबित किए थे एस एन माइनस वन दिया है
योग एसन बराबर थ्रियन मुठिया निकालना है, एसन है एन माइनस वन है, इससे निकाल लेंगे हम लोग एन माइनस वन का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि एसन का मान दिया हुआ है इन पदों का योग थ्रियन निकालना है एनमा पद थ्रियन बराबर एसन माइनस वन थ्रियन कब निकलेगा जब एसन रहेगा ये रहेगा ये है नहीं है तो मान निकाल लो एस के स्थान पर एस एन के स्थान एन माइनस वन माइनस वन माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या टू ए बी एक स्थान पर एन बी एक एन माइनस वन एस टू एस ये दिया हुआ है एस टू एस एन एन माइनस वन पाँच तो पाँच एन के स्थान पर एन माइनस वन एन माइनस वन माइनस बी का होल स्क्वायर ए एन बी एक ए स्क्वायर थ्री एन माइनस वन एन का सा एन का एन माइनस वन है वन का स्क्वायर एक टू एन पांच एन स्क्वायर पांच का ही पांच पंद्री दस माइनस वन दस तीन तेरह पांच माइनस वन चार एनमा पद सन माइनस वन सन का मान बोलो इसका मान बोलो एन माइनस वन मान बोलो माइनस चार
इनर माइनस टेरेन दसन माइनस चार कौन ले लेंगे इसमें अच्छा फिर इसमें कितना आया है नीचे कितना है कॉमन दो पचे दस माने दू कॉमन दू एन माने दू कॉमन पांच एन प्लस एस एन थ्री एन यहाँ है ठीक है तो एन पदों का योग एस एन माइनस वन पांच इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर एन माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी डिस्टर्ब हो रहे हैं नहीं नहीं उठा माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी फिर फिर से देख लो एस का साइस एन का एन माइनस वन पाँच तो पाँच बुतूस होता सबको एन का एन माइनस वन एन माइनस वन माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी टू एन इंटू वन एन माइनस वन एन स्क्वायर एक का स्क्वायर एक माइनस टू एन फिर माइनस वन आप देखो इसमें पांच एन स्क्वायर पांच पंद्रह दस फिर माइनस वन पांच एन स्क्वायर अब माइनस देखिए हम माइनस दस एन प्लस तीन एन माइनस सात एन प्लस चार अब एस एन माइनस वन मान नहीं है एस एन का मान क्या क्या करिए फाइव एन स्क्वायर डिस्टर्ब करते रहा पांच एन स्क्वायर थ्री एन माइनस प्लस सात एन माइनस चार कट गया ही सात तीन दस माइनस चार टी एन दो कॉमन दो पच्चीस दस नहीं ठीक है बिल्कुल सही देखिए इसमें क्या देख लो सुन लो सही देखिए बड़े आज कल तो
पाँच एन स्क्वायर प्लस थ्री एन है, पाँच एन स्क्वायर प्लस फिर भी बढ़ा देते हैं। ध्यान देखो, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। गेट लो हिसाब मिला, एस एन इतना दिया हुआ है, तो टी एन एस एन माइनस माइनस वन, तो मान निकाल लो कैसे जाएगा, एन माइनस वन एस का से एस एन का एन माइनस वन, तो पाँच इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर, थ्री इंटू एन माइनस वन, पाँच इंटू एम आज बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वन, थ्री एन माइनस थ्री, पाँच एन स्क्वायर टू एन, थ्री एन माइनस तीन, थ्री माइनस तीन, पाँच एन स्क्वायर प्लस पाँच, पंदोनी दस एन, थ्री एन माइनस तीन, दस माइनस दस एन प्लस तीन एन माइनस सात एन, पाँच तीन दो, टी एन एनमा पर फॉर्मूला एनमा पर बराबर, एस एन माइनस वन, एस एन का मान थ्री एन, इसका मान है माइनस सात एन प्लस दो, थ्री एन माइनस पाँच एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस दो, इससे क्या जाएगा, ये दस एन माइनस दो, आसान तो है, ये वैसा आ गया, ये या दो कॉमन लेंगे, ध्यान देना, दो कॉमन लेंगे तो पाँच एन माइनस एक हो जाएगा, इतने इतने दिया हुआ। आप देखो गेट 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 लो पूरा, हाँ आप कहता है एक एनमा पर निकल गया, आप कहता है क्या यह सीढ़ी एपी में है या नहीं, तो मान निकाल के चेक कर लो कि एन कि टी एन कितना लाया हो, दस एन माइनस टू, तो चूंकि टी एन बराबर दस एन माइनस टू, एन का मान एक, दस माइनस दो आठ, टी टू बराबर दस गुना दो माइनस दो बीस माइनस दो, अठारह, टी थ्री बराबर दस एन, एन का मान तीन, तीस माइनस दो, तीस माइनस दो अट्ठाईस, टी फोर निकाल लो, अड़तीस, देखो आता क्या डी समान, डी बराबर टी टू माइनस टी वन, टी टू अठारह माइनस आठ तो दस, डी बराबर टी थ्री माइनस टी टू
कितनी 28 माइनस 18 10 डी बराबर टी फोर माइनस टी थ्री 38 माइनस 38 माइनस 28 सार्वान्तर समान है समान है अतः यह एपी में है अतः टीएन बराबर तो एपी में है या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा अंतर समान है अतः 8, 18, 28, 38 एपी में है फिर समझ अच्छा से एस एन पर जो दिया हुआ है एस एन दसवा प्लस 3 एन माइनस 1 क्यों निकालेंगे फॉर्मूला होता है एस प्लस एस एन एन माइनस 1 तो 5 एन के साथ एन माइनस 1 का स्क्वायर एन माइनस 1 एन माइनस 1 लेना है एन के अस्था एन माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी 3 एन माइनस 3 एन स्क्वायर 1+1 2 एन 3 माइनस 3 5 एन स्क्वायर 5 × 5 10 3 माइनस 3 5 स्क्वायर 3 माइनस 10 7 एन 3 × 2 इन्हें पर टी एन बराबर निकालना है एस एन फॉर्मूला एस एन माइनस कहते हैं तो फॉर्मूला निकाले थे टी एन बराबर एस एन माइनस माइनस 1 एस एन के मान 5 एन स्क्वायर प्लस 3 एन एस एन का मान है एसन का मान है एस एन माइनस 1 का मान है 5 एन स्क्वायर माइनस के 7 एन प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कट गया ये एस एन माइनस 2 तेसर हो गया एन मा पद आ गया एपी में है या नहीं टी एन दस एन माइनस 2 एन का मान 1 10 का 10 बटा 2 8 इनका मान 2 18 इनका मान 3 28 इनका मान 4 38 टी टू माइनस टी वन 18 माइनस 8 10 टी थ्री माइनस टी टू 28 माइनस 18 10 सब अंतर समान है एपी में मैसेज कर मैसेज कर नहीं करता है चलिए ना दिखाइए क्या बोल रहा है समझा एपी के तुम लोग मैं दिखा हमको एपी के एन पदों का योग एपी के
शब्द इतने थे। इन पदों का योग 2n² + 5n एपी के 5n एनवा पर निकालें। जल्दी बना दिखा बना दी मैसेज कर जल्दी बना दो। क्वेश्चन ये है एपी के 5n आंसर आंसर भेज। भेजा दिया है तो मैं ऐसा भेजो दिया है बलों का योग एसन बराबर हाइफ़न तो निकालना मैं हम लोग को मान एस एन माइनस वन एस प्लस एस एस के स्थान पर एस एन के स्थान एन माइनस वन एन माइनस वन माइनस बी का होल स्क्वायर टू ए बी एन का स्क्वायर ए का स्क्वायर एन का स्क्वायर ए का स्क्वायर टू गुने एन गुना एक माइनस फाइव एन प्लस पांच फाइव एन माइनस पांच नहीं ऐसा नहीं दिया अभी तक नहीं सकते नहीं ऐसा दिया ट्वेंटी स्क्वायर दो तो दूनी चार ऐसा दिया चार एन प्लस पांच एन प्लस एन माइनस तीन कितना एन का स्क्वायर माइनस वन दो तो दो माइनस वन का स्क्वायर पांच तो पांच माइनस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी पांच एन माइनस पांच एन स्क्वायर वन का स्क्वायर टू एन टू एन स्क्वायर कहें दो दूनी चार एन चार माइनस पांच दून स्क्वायर चार एन एन दो पाँच तीन हमने इन्वेस्टर दिया है एनमा पर टी एन बराबर एस एन माइनस वन फॉर्मूला होता है एस एन का मान नहीं आंसर कितना लिया है माइनस तीन प्लस माइनस माइनस प्लस कर जाएगा पांच और तीन फोर एन जाए फोर एन दिया फोर एन प्लस तीन दिया है सही है समझ में आ गया तुमको हल्का है सभी देखे करी हल्का ना है अब आओ
शिष्य बन जाएगा, तुम्हारा शिष्य बन जाएगा। तो अब तुमको क्या है, सिखाते हैं तुमको बीस पदों का योग, बीस पदों का योग। जैसे क्वेश्चन है कि 99 जोड़ 95 जोड़ 91 जोड़, 99 जोड़ 95 जोड़ 91 जोड़ 87 डॉट 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 20 पदों तक। योग निकाले कुछ नहीं, 20 पदों तक पहला पद ए बराबर 99, सावंतर दिया दूसरा पद माइनस पहला पद 99 माइनस आ जाएगा 4 माइनस 4 तब पदों की संख्या n बराबर 20, Sn बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां 20 पदों का योग, 20 एन के स्थान पर 20, 20/2 ए का मान 99, 20 - 1 इंटू डी का मान -4, एस एन एन बाई 2, 2n - 1 टू डी फॉर्मूला आता है। 20 पदों का जो S20 इनके स्थान पर 20, तो एन 20/2 ए 99 इनका मान 20 -4 98 98 98 प्लस माइनस माइनस 19 × 4 प्लस माइनस माइनस 74 2 × 7 = 2 × 7 = 2 7 × 9 = 22 220 220
मैसेज कर, क्या दिक्कत, मैसेज क्या दिक्कत है? 20 पदों का योग 99, 99 डी माइनस चार दूसरा पद माइनस पर माइनस चार और संख्या 20 एन बाय टू फॉर्मूला आता है 99 एन 20 डी माइनस चार 76 220। मैसेज कर 100%। राइट, हाँ, अब देखो इसमें क्या है। जैसे चलिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, दो प्लस चार प्लस छह प्लस बीस बीस दो प्लस चार छह बीस मान निकाले एपी एपी दो प्लस चार प्लस छह प्लस डॉट 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 मान निकाले। देखिए जोड़ना है इसमें क्या है कि देखो ए बराबर दो डी बराबर चार माइनस दो तो दो अंतिम पद बीस है टी एन बराबर बीस क्योंकि हमको पदों की संख्या पता नहीं है, हमको n का मान पता नहीं है। n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमको पदों संख्या पता नहीं है। तो पहले क्या करेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो बीस बराबर ए एक मान दू एन का मान पता नहीं है डी मान दू तो बीस माइनस दू एन माइनस वन इंटू टू गुना तो भाग एन माइनस वन अठारह नौ माइनस टू प्लस एन एन का मान दस दस पद है सही दस पद होगा दू दू चार दू छः दू आठ दू दस बारह चौदह सोलह अठारह दस पद है ही है रहेगा सौ तक हजार तक। तो पहले ऐसा है सामने निकालना एन का मान किसका मान एन का मान हाँ जब एक से सौ तक रहेगा तो वो दिक्कत वहां नहीं है
दिक्कत वहां नहीं है, लेकिन जब ये 5, 10, 15, 20, 25 भाई, इनका मान पता नहीं है, पहले इनका मान निकालने, जहां पहले संदेह का क्वेश्चन बोले इनका मान निकालना है। अच्छा आप देखिए, तो इनका 10 आ गया, तो 10 आ गया तब एस एन बराबर एन बाई टू, 2a + n - 1 इंटू डी, या ए प्लस लाइ ला सकते हो भी, एस 10 10 पद है, 10/2 2 × a 2 10 - 1 इंटू डी 2। चार 9 × 2 = 10 5 18 22 दहोत्तर से 110 ऐसा सही सर से 4 × 2 = 6 6 = 12 अन्य 110 आ जाएगा ही 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 4 × 2 = 12 8 20 22 26 32 40 5 6 7 8 9 11 110 सही है, सही देखिए 110 सही है। अन्य ऐसे निकालना है, पहले निकाला तो एन का मान निकाल दूँ, एन का मान, एन का मान ऐसा ऐसा बताया, इसलिए बताया कि हमको 2 से 20 तक है, इसमें तो एन का मान पर निकालना पड़ेगा। देखो टेस्ट, तो पहले एन का मान निकालिए, ए बराबर 2, डी चार बराबर 2, टी एन का मान अंतिम पद क्या 20, अंतिम पद 20, टी एन 20 इंटू डी 2 + d प्लस तो माइनस गुना तो भाग 9 × 10 बराबर 10 एस एन एन बाय 2 एस 10 10/2 2 × 2 = 2 9 × 2 = 18 दहोत्तर से कमा करके उनको ऐसे हिसाब रहेगा। यानी 25 अनुक्रम पच्चीस 22 19 के n पदों का योग 116 है,
ज्ञान का मार्ग निकालें। तथा आठवां पद ज्ञात करें। निकालें इस पर बहुत हिसाब बनेगा। चार दिन चार है ना। साफ बने इस पर। क्वेश्चन से क्वेश्चन देख रहे हो से क्वेश्चन लिखे अनुक्रम देखो यहाँ पच्चीस बास उन्नीस क्या बोलो ए बराबर पच्चीस डी बराबर बास माइनस तीन एन पदों का योग एस एन 116 एन का मान निकालना है। एस एन बराबर एन बाई टू पच्चीस है दूसरा पद माइनस पहला पद माइनस पच्चीस माइनस तीन 116 मान दिया हुआ है एन बाई टू एक मान पच्चीस एन का मान नहीं है डी का मान माइनस तीन चतुर्थी गुना सोलह पचास माइनस 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 वन माइनस माइनस दूनी बारह 232 50 माइनस तीन प्लस तीन प्लस 50 तीन 53 32 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 53 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 53 232 बराबर जीरो माइनस टू प्लस टू माइनस ये प्लस तो है ये है क्या तीन कॉमन निकले नहीं कॉमन नहीं
ये 53 यहाँ है, 53 को माने 3 हुआ, कितने 5 3 8 इन्हें कहता है 53। तो मतपद को बांटना जल्दी 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 कर, तो भेज तो मैसेज स्क्वायर 232 मतपद को बांटना 232 3 2 6 3 3 9 3 2 6 696 बिल्कुल ऐसा ही है। 25 यहाँ 25 दिए माइनस 3 ऐसे 116 हिसाब हिसाब से हिसाब दें, ठीक है। एन बाई टू सौ इंटू डी एन बाई टू 116 ए 25 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस बिल्कुल सही है ना। 50 3 एन माइनस प्लस 3 53 3 एन स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 232 तो 3 2 6 3 3 9 6 2 से 2 3 6 2 से 3 6 2 4 8 अब 1 8 2 से 17 274 2 से 16 87 87 यहाँ है 87 3 दूनी 6 बाकी बचल 2 27 नहीं 3 दूनी 6 2 27 हाँ 87 हो सकता है। तो दुदुनी 4 चौदुनी 8 अटिया 24 24 29 सही आ रहा है। 24 29 9 4 13 5 सही नंबर पूछ रहा है। तो 24 29 24 29 है, नहीं नहीं भेजाओ नहीं भेजाओ सो सोया भाजी सोया भाजी 24 29 है 24 29 माइनस 24 माइनस 29 तो 9 4 13 4 1 5 53 सही है। माइनस 24 एन गुना 29 एन माइनस प्लस 696 मिलना चाहिए। चौबीस एन 29 एन ऐसे नहीं भेजा मैंने, इतने भेजा इतने भेजा है कॉमन एन माइनस अतिया 24 थियन कॉमन एन हो जाएगा ही अतिया 24 29 कॉमन 29 अठी 232 29 अठी खोना पहाड़ा होता 232 में कहता है 972 आदमी 16 27 सही है।
जीरो यानी माइनस आठ, ठीक है, माइनस उनतीस, ऐसे कौन भेजा है माइनस आठ, ध्यान 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 दिया इसमें, बता दे इसको हम ध्यान दिया, ठीक है, एन माइनस आठ बराबर जीरो आठ, ठीक है, बढ़ाते इसको, अभी नहीं भेजा, नहीं भेजा इधर कोई नहीं, एन माइनस आठ एन बराबर आठ, वह शांत है, कोऑपरेट करता नहीं है, जब भी होता पद एक पद दो पद तीन पद आधा होता नहीं है, यह जाएगा नहीं, यह इस केस आ जाएगा ही, यह जाएगा उनतीस भागा तीन, तीन नंबर सत्ताईस, दो पॉइंट बीस, तीन सौ अठारह, उनतीस है यहाँ, नतीजा सताईस, सात नौ नौ सात दो पाँच जीरो छः अठारह बीस, अठारह दो आ जाएगा यहाँ, दस में सात दो नौ पाँच छः छः आ जाएगा, अशांत है, क्या है अशांत है, पूरा करता नहीं है, होता पद आधा कभी, जब भी पद होगा तो एक होगा दो होगा चार होगा पांच होगा आधा पद होता है, देखा अढ़ाई कलम, देखा अढ़ाई भाई, तो पद आधा होता नहीं, पद होता पूर्णांक में, ये रेकनिंग आ गया है, नौ पॉइंट छः छः हो सकता पद कभी, तो यह संभव नहीं है, पद का मान होता पूर्णांक में, यह संभव नहीं है, यह संभव क्योंकि पद का मान नौ पॉइंट छः छः पता अशांत है, पर पता नहीं है, इसलिए एन बराबर क्या आएगा आठ आंसर, अब तक आठवां पद निकालिए तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्यों नहीं हुआ, ये अशांत है, पद आधा होता नहीं है, आधा कलम आधा ईंट ऐसा होता नहीं है, जैसे आपको दस बोरा गहूँ आधा बोरा और गहूँ हुआ है तो साढ़े दस होता है, बोरा जब होता है बोरा एक होता है बोरा, कभी भी नहीं होता साढ़े दस बोरा, यदि दस बोरा आधा बोरा गेहूँ है साढ़े दस बोलोगे नहीं, दस बोरा है, बोरा आधा होता नहीं है, इसी प्रकार पद जो है नौ पॉइंट छः छः और शांत है, संभव नहीं है, इसे आठवां पद निकालना है, टी आठ बराबर ए प्लस एन का मान आठ माइनस वन, ए का मान बोलो, ए का मान पच्चीस, आठ माइनस वन इंटू डी का मान माइनस तीन, पच्चीस प्लस सात माइनस तीन सत्या इक्कीस चार, चार हो जाएगा, सही है आठ उन्नीस,
आपको तीन 1903 की घटना, 1903 16 घटाओ 3 जे चे चेकर चेकर 25 22 19 घटाओ 3 16 घटाओ 3 13 घटाओ 3 10 घटाओ 3 7 घटाओ 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 सही घट रहा है, चौथा चार आएगा। ये मैसेज कर क्या बोलता है, थक गया कि अब आ जाइए अब आ जाइए एक दफा सब बन जाएगा ऐसे। आप देखो ऐसे कुछ देखो ऐसे देखो कुछ तुम लोग ऐसे है तब पूछना पूरा, अभी नहीं बहुत बाकी इसमें है, इसमें बहुत बाकी इसमें है, कम से कम पढ़ाएंगे 7-8 दिन पढ़ाएंगे इसका भी तब होगा। 7 दिन सार भी कम नहीं होगा, इस तब ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा। और तब जो कैसे है यानी क्वेश्चन दे रहे हैं 200 लट्ठे कि एक ढेर में सबसे नीचे बीस लट्ठे ऊपरी पंक्ति में उन्नीस लट्ठे पंक्ति में अठारह लट्ठे
बैठे रखे गए हैं। रखे गए हैं तो दूर लठे कितने पंक्तियों में रखी जा सकती है, हिसाब क्या है कि लट्ठा क्या आता है। जो लट्ठा था नहीं, ये पेड़ का जो है, ये पेड़ था पेड़ ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पेड़ है ही, तो पेड़ जो करता नहीं भाग गोला बेलनाकार, यानी शाम क्या लट्ठा है। तो जो पेड़ करता बेलना का भाव कैसा लट्ठा है, ऐसे पेड़ है ऐसे कर गया ऐसे। तो जो बेलना का भाग होता क्या था, ये लट्ठा हो गया, लट्ठा कहलाता है। अब देखो है समझाते हैं, देखिए समझिए। ऐसे नीचे तीन, नीचे मान लीजिए चार को रखा हुआ है, नीचे चार है, यह अब क्या रखाएगा। देखो इसे गैपिंग रखता है, गैपिंग में एक दो तीन रखाएगा, अब क्या रखाएगा दो गो, अब क्या एक गो, पहले चार तब तीन, देखिए ना पहले चार तब तीन तब दो तब एक तब रखा गया आगे। और हम यहाँ रखे माले पहले तीन तीन रख दिए, तब दो रखा गया, एक अब रखा गया इस पर उसी पर ऐसे घर। तो माने यहाँ चार पहले चार रखे, चार को लट्ठा, चार लट्ठा है, एक दो तीन रखा गया ऐसे, इस पर फिर रखा गया दो रखा गया, नहीं घटते जा रहा है। बोलो फिर बोलो, हम रखे नीचे रखे चार गो, अब क्या हुआ एक दो तीन, फिर होगा दो गो, एक गो घट रहा है, अब रखाएगा नहीं रखाएगा, तुझे लट्ठा हो गया ही। किसे लिख रहे थे भी ये है, चलो बोलो वही लट्ठा हुआ ही। तो नीचे क्या लट्ठा, 20 लट्ठा, उसके ऊपर 19, तब 18, तब 17, नीचे 20, 19, ये भी समझाए भी। अगर नीचे रखे चार गो, एक दो तीन चार, नीचे रखे चार, देखिए यहाँ तीन खा जाए शांत, एक लट्ठा दो लट्ठा तीन गो, अब इस पर रखाएगा क्या गो दो, एक दो, इस पर एक रखाएगा कम रहा है और नहीं रखाएगा गिर जाएगा वहाँ। तो चलो तो
कह सकते हैं कि लट्ठों का क्रम तो दूसरा लट्ठा रखा गया है, से नीचे का लट्ठा है 20 गो, तो 19 गो, तो 18 गो, तो पंक्तियों का क्रम नीचे पहला पंक्ति में क्या लट्ठा 20 लट्ठा, दूसरा में क्या वो 18 गो, नीचे पहला पंक्ति में पहला पंक्ति में कितना लट है 20 लट्ठों की संख्या लट्ठों की संख्या 20, लट्ठों की संख्या 19, अठारह, इस तरह 18 एपी में है, एपी में है ए बराबर 20, डी बराबर 19 माइनस 20 माइनस 1, एस एन बाई 2, डी कुल दूसरा लट्ठा है, कुल लट्ठा 200 है, ए का मान 20, एन का मान नहीं है, -1, 400, चालीस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस एन प्लस 1 प्लस माइनस माइनस एन प्लस 1 माइनस प्लस प्लस टू माइनस बराबर 0, मध्य पद को बांटना, मध्य पद को बांटना एन स्क्वायर गुना 400 दूसरे 200
दो से सौ, दो से पच्चीस, चालीस हजार इतना जाना है, चार चौदह आठ अभी सोलह पच्चीस, पाँच छ पच्चीस सोलह एन सौ पाँच ग्यारह तीन एक चार सही है। प्लस आगे पीछे एन एस चार सौ, चार सौ एन स्क्वायर, दो से चार सौ, दो से दो सौ, दो से सौ, दो से दो सौ, दो से सौ, दो से पचास, दो से पच्चीस, पचपन से पच्चीस, चौथा आदमी सोलह पच्चीस, एन भी यहाँ एन है इकतालीस एन, मानसरो मान पच्चीस एन, चार सौ एन स्क्वायर सही है। तो एन स्क्वायर यहाँ लिखते और यहाँ लिखेंगे कौन दिक्कत है, माइनस पे प्लस जीरो, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, जीरो बराबर जीरो, एन कॉमन कॉमन पच्चीस, पच्चीस दस तीस, पच्चीस पच्चीस पंद्रह डेढ़ सौ, पच्चीस डेढ़ सही सोलह सही बिल्कुल सही है सोलह। सोलह पच्चीस सोलह पंक्ति कौन इन्हों कौन सा संभव, मतलब इस संभव बताते कौन संभव है तो निकाल लो कि सोलहवा पंक्ति में क्या लठा है। ऐसे हम ऐसे बना सकते हैं कि इसमें 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, दो एक जीरो, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, देखिए सोलह में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह चौदह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह में पांच लठा है सोलहवा पंक्ति में। ऐसे निकाले मान बोले ऐसे।
16, तो टीएन बराबर, टीएन बराबर डी टी 16 ए 20, 16 माइनस वन गुने माइनस वन प्लस 15 गुना माइनस वन 20। पांच सोलह पांच लट्ठा ऊपर में है, या तुम निकालोगे मान टी एन बराबर ए प्लस टी 25, टी 25 20 प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस 4 लट्ठा संभव है, कभी संभव है? यानी 16वां पंक्ति में सबसे जैसे नौवां पंक्ति में पांच लट्ठे हैं, संभव है? 20 माइनस 15 पांच, 16वां पंक्ति में पांच लट्ठे हैं और 25वां पंक्ति में माइनस 4 लट्ठे हैं, यह संभव नहीं है? यह संभव नहीं है, अतः पंक्तियों की संख्या सही बात भी है कि 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक दो तीन 20 18 20 20 19 एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। देखिए 16वां में क्या हुए, पाँच को, अब 25वां में 16 17 18 19 20 21 कहीं माइनस रह जाए, पाँच चार तीन दो जीरो माइनस एक
सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पच्चीसवा यहाँ देखिए संभव है मानस दे पाँच चार लट्ठा तो कभी रखे में करेगा इसके बाद नहीं रखाएगा यह संभव नहीं है। इससे पंक्ति क्या होगा इन बात सोलह पंक्ति बस सोलह पंक्ति कितना लट्ठा चार लट्ठे होंगे समझा गया होगा नीचे बीस लट्ठा उन्नीस लट्ठा अठारह लट्ठा है ना तो नीचे बीस अठारह बीस उन्नीस अठारह ऐसे घट रहा है तो लगता दो सौ लट्ठों को कितना पंक्ति में रखा जाएगा लट्ठा दो सौ है तो पंक्ति पूछ रहा है जिसमें बीस उन्नीस पहला पंक्ति नीचे सबसे नीचे पहला पंक्ति में बीस लट्ठा फिर उन्नीस लट्ठा अठारह लट्ठा एपी में है माइनस एक एन बटा टू माइनस टू डी ऐसे नंबर दूसरा दूसरा लट्ठा यहाँ है एन बाय टू एक मान बीस एन एक मान नहीं है डी मान माइनस एक तीसरी गुना चार सौ चालीस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एन माइनस में प्लस उसके बाद एक चार इकतालीस माइनस एन उन्हें इकतालीस एन उन्हें एन स्क्वायर माइनस टू प्लस प्लस टू माइनस मन पद को बांटना सोलह एन को पच्चीस एन क्या चार सौ बराबर जीरो एन कॉमन लेंगे एन माइनस सोलह इसको मन एन माइनस सोलह बराबर जीरो कॉमन में सोलह आ जाएगा पच्चीस सोलह जीरो हो जाएगा सोलह पच्चीस आया इसमें कौन सम देखेंगे कौन संभव देखेंगे एन का मान सोलह एन का मान पच्चीस देखते हैं कौन संभव है तो टी एन बराबर एन माइनस वन इंटू डी टी सोलह बीस प्लस माइनस वन माइनस वन बीस प्लस पंद्रह माइनस वन पाँच तो सलामा पंक्ति में लट्ठा क्या होगा पांच लट्ठा है अगर निकाले पच्चीसवा में तो पच्चीस माइनस वन एक मान बीस बस माइनस 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 चार लट्ठा है पिछला पंक्ति में माइनस चार लट्ठे हैं जो संभव नहीं है कितने लट्ठा माइनस में एक के बाद नहीं रखाएगा ये समझाए देखो इसे समझा दे देखो एक के बाद नहीं रखाएगा तो पच्चीस पंक्ति संभव नहीं है तो यह संभव नहीं है क्योंकि पच्चीसवा पंक्ति में क्या लट्ठा है माइनस चार है संभव कभी यह संभव नहीं है पिछले पंक्ति कितना सोलह मैसेज कर सोलह हुआ पंक्ति की पच्चीस हुआ मैसेज कर प्रणाम सर लाइव है चार से छः फिर लाइव है सात से नौ और टाइम बढ़ाएंगे लाइव और टाइम बढ़ाएंगे कोर्स पूरा करना ना जी यूट्यूब पर ठीक कितना टाइम गुंडा के कितना टाइम गुंडा के पाँच घंटा दोबारा हाँ चलो जी
एक हिसाब और हो जाएगा। इसमें चलिए सब बना करके लिखो एक कुंडली तेरह क्रमागत तेरा क्रमागत आदमितों से बनी है। इसके अंदर ए और बी है। केंद्र ए से आरंभ करके आरंभ कर त्रिज्याएं पॉइंट 5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm सीएम कुंडली के रूप में तेरह आदमियों आर्मितों में रखी गई है। बनी है तो तार की कुल लंबाई ज्ञात करें। लंबाई निकालें आकृति अनुसार कल 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 भाई
छोड़ते तो ठीक है, छोड़ते हैं, कल पढ़ाएंगे, तो कल बताएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क देने पूरा बड़ा ये पूरा 4:45 तक, 5:45 तक सोते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल फिर शाम में 4 से 6, फिर रात में 4 से 6 चला लेसन 1।